हरियाणा बीजेपी में मच गई अफरा तफरी। कांग्रेस में शामिल हुआ चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार। घबराए मोदी और शाह ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। वह अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ आज कांग्रेस में शामिल हो गए। वीरेंद्र सिंह 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाकर केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, क्या बीजेपी को जेजेपी से गठबंधन तोड़ना चाहिए? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीरेंद्र सिंह ने जेजेपी के साथ गठबंधन खत्म करने की रखी थी शर्त। 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रजेंद्र सिंह को भाजपा ने हिसार लोकसभा सीट से टिकट दिया था और उन्होंने जीत हासिल की थी। वीरेंद्र सिंह ने जेजेपी के साथ गठबंधन छोड़ने की बात कही थी। जब बीजेपी ने ऐसा नहीं किया तो वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि अभी तक बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। वीरेंद्र सिंह ने 2014 में कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो उनकी पत्नी प्रेमलता को भाजपा ने उचाना विधानसभा सीट से टिकट दिया और वह जीत गई। पिछले 3 महीने से वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे की कांग्रेस में जाने के कयासों को बल मिला। उनकी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लगातार मुलाकातें हो रही थी। कुलदीप बिश्नोई का नाम हिसार से चर्चा में। एक साल पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता रहे और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी हिसार लोकसभा सीट से उनको टिकट दे सकती है। ऐसे में ब्रजेंद्र सिंह असहज महसूस कर रहे थे और माना जा रहा था कि उनका टिकट भी कट सकता है। हिसार लोकसभा सीट पर कई नेताओं की दावेदारी है और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा का नाम भी हिसार लोकसभा सीट से चल रहा है। हरियाणा में बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। माना जा रहा है कि पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं तोड़ेगी बल्कि वह सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और इससे जेजेपी साथ छोड़ सकती है। हरियाणा में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव भी हैं।